नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बहुत ही प्यारी सी बात बताने वाला हूँ। हारमोनियम के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हारमोनियम सीखने का प्रयास आप कर रहे हैं, अगर आपको हारमोनियम सीखने में रुचि है तो आज की इस विषय को पूरा देखिए। मैं आज इस हारमोनियम वाले वीडियो पे आपको ये बात बताने वाला हूँ कि हम कैसे शुरुआत करें अलंकार के बाद, अलंकार के बाद हम गाना निकालना किस प्रकार से शुरुआत करें। अगर आप नए प्लेयर हैं तो बिल्कुल आप ही के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि अलंकार ही कर रहे हैं, अब कोई गाना आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो शुरुआत कैसे करना है गाना निकालने का, इसको मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अगर हारमोनियम सीखते हैं या गायकी सीखते हैं तो सबसे पहले हमको अलंकार करवाए जाते हैं। जो स्वर होते हैं संगीत के साथ स्वर, उनको अलग अलग तरीकों से हमको बजवाया जाता है। जैसे कि हम काली एक से अलंकार बजाते हैं, सारे ऐसे बहुत सारे तरीकों से गाया बजाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं एक मंत्र, पांच बटन में ये मंत्र बजेगा। मंत्र है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र आपको करने के लिए मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए हम अभी अलंकार ही कर रहे हैं और ये जो गायत्री मंत्र है सिर्फ पांच बटन में बजा हुआ है। सिर्फ पांच बटन में गायत्री मंत्र जो है बजा हुआ है। इसमें हम क्या सीखेंगे, अलंकार जो हम अलग अलग तरीके से कर रहे थे उसको अगर हम गाना बना के गाएं तो कैसे गाएंगे। और यही गायत्री मंत्र को मैं अलंकार को, गायत्री मंत्र के जो स्वर है उसको ही मैं गाना बना दिया हूं। तो उन स्वरों को हम यहाँ पे हारमोनियम पे गाएंगे काली एक से, जिससे हमें बहुत सारी फायदा होने वाला है। फायदा कैसे होगा, हम स्वरों को समझने लगेंगे, प्लस अगर आप नए प्लेयर हैं तो आपसे ये गाना अगर आप बजा लेते हैं तो दूसरे गाने बजाने में भी आपको फायदे होंगे। तो चलिए इस गीत को हम सीखते हैं गायत्री मंत्र का। तो कैसे करेंगे, वैसे भी सवेरे सवेरे गायत्री मंत्र का अगर उच्चारण करते हैं तो फायदेमंद होता है मंत्रों का उच्चारण करना। तो चलिए काली एक से हम इस गीत को प्ले करेंगे, इस मंत्र को, और इसको हम इनके स्वरों को गाएंगे, अलंकार में इनको गाएंगे। सबसे पहले हम इसको आकार में बजाते हैं, ठीक है। आकार में कैसे बजेगा, आकार है। आकार में अगर आप गाते हैं तो स्वर के साथ आपके मुंह का मेल मिलाप होता है। जैसे हम गाना को गा रहे हैं तो हम हारमोनियम के साथ अपना आवाज मैच कर रहे हैं, तो हमको ये पता चलता है कि हारमोनियम पे साउंड कैसा खुल रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हारमोनियम वही बोलेगा जो आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। हारमोनियम सिर्फ एक साउंड है। हारमोनियम वही बोलेगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, बस हमको बटन अलग अलग, जैसे कि इधर जाते हैं तो हाई होता है, इधर जाते हैं तो लो होता जाता है। वो गाना का गाना जिस प्रकार से चला होता है, अब जानते हैं आप बिलावल थाट में ये गाना चल रहा है, जैसे कि पूरा शुद्ध स्वरों का उपयोग इसमें हो रहा है। सारे गा पा और नी, ये पांचों स्वर का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। कौन कौन से, नी सा रे गा और पा का। तो इसमें कैसे हम इसको गाएंगे, अभी देखिए, इसको एक बार आकार में गाते हैं, एक बार इस गीत को गाएंगे, फिर हम इसको अलंकार में जैसे हम अलंकार कर रहे थे वैसे गाएंगे। तो हमको क्या होगा, दूसरे गाना को अगर हम देखेंगे तो उसको भी हम बजा पाएंगे सिर्फ उसके नोट्स जानकर। अभी हम कैसे करेंगे, पहले हम इस गीत को गाते हैं। Ah
हम इसको नोट्स बना के गाएंगे तो ये कैसे बजेगा देखिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे गाएंगे? आपको गाना है, एक बार आप गाना को गाकर गाएंगे मंत्र को, एक बार इसको आकार में गाएंगे और एक बार इसको सरगम में गाएंगे। तो इनसे आपका प्रैक्टिस ये होगा कि दूसरे गाने जब आप बजाएंगे तो उनको भी आप आकार में गा लेंगे, उनको भी आप सरगम में गा लेंगे और गाना के साथ भी उनको गा लेंगे। तो कई सारे फायदे आपको होने वाले हैं, प्लस अलंकार ही कर रहे हैं तो ये एकदम सरल सा मंत्र है, पांच ही बटन में ये बज रहा है। पांचों बटन को याद कीजिए, पांचों स्वर को याद कीजिए और बजाइए, इससे आपको कई सारे फायदे बाद में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।